खान, हेलो हेलो हेलो। आई थिंक आज बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आज कुछ अलग ही जोन का वो होने वाला है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए, ओके ओके, तो हेलो 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 हेलो। ओके, आज बहुत सारे एक्साइटमेंट है क्योंकि ऑब्वियस रीजंस हैं। आज आपके मोमो जी आने वाले हैं। मेरे लिए मोहसिन हमेशा कार्तिक रहेगा और आपके लिए आपका मोमो, आई एम श्योर कार्तिक की गोपियाँ, मोमो की चटनियाँ, सब लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं। एंड आज मेरे मुंह से क्यों नाम सुनना चाहते हो? आज तो किसी और के मुंह से नाम सुनना चाहेंगे। आज मेरे 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 मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सब कार्तिक का वेट कर रहे हैं। ओके, लेट मी चेक, इज ही ऑनलाइन? ओके, अभी तक आया नहीं है। आई थिंक आ जाएगा। लाइव रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों के लाइव रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कहाँ है? हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 हेलो। मोहसिन खान विद द रॉन्ग स्पेलिंग। सो अरे मैं किसके बारे में पूछूंगी, वो तो बात की बात है। पहले अभी से पूछने लगे क्या पूछने वाली हूँ। हर हर महादेव, देखते देखते अभी रुक तो जाओ। हाँ हाँ, मुझे भी जल्दी है। वो आए तो कहाँ गया, अभी तो यहीं था। ओके, लेट हिम कम, तब तक आप लोग भी आ जाओ, उसे भी आने देते हैं। ओके, हेलो हेलो। बहुत सारे लोग, आई कैन सी द एक्साइटमेंट, आई कैन सी द नंबर्स। हे, ओके, तुम लोगों का मोमो, मेरा कार्तिक, हम सबका प्यारा मोहसिन आ चुका है। हेलो, आई थिंक अब एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसने लाइव रिक्वेस्ट भेजी है मुझे, यस भेजी है। यस, मोहसिन आ चुके हैं, लेट मी ज्वाइन हिम लाइव। यस, ओके, सब लोग ताली बजाओ, तालियां। अरे ताली बजा रहे हम तुम्हारे लिए। तो अंदर जाके बैठो। हेलो, आई एम गुड, कैसे हो? तेरे नाम की राधे, कैसे हो? तेरे नाम आज नहीं किया मैंने मेडल पार्टिशन पर आज। हाँ, अरे तुम्हारी आग ही दिख रही होगी, बाल इधर करो। हाँ, कैसे हो? मेरे ऐसी सेफली जल्दी आ गया, चोरी से नहीं दिखती। हाँ जी, मेरी भी उतनी है, मेरी तो ऐसा लगता है ही नहीं है। हम दोनों सेम गांव से हैं, थोड़े सेम आंखों के मामले में सेम गांव से हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं चाइना तरफ ज्यादा दिखती हूँ, अनफॉर्चुनेटली। ओके, उस तरफ हाँ, तुम उधर, मैं इधर। तो कैसा लग रहा है आज? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं बस, रोजे चल रहे यार हमारे अभी 11 हो गए रोजे और 19 बचे हैं, सो वन थर्ड हो चुका है और बचा है और 2/3, सो इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। कोई नहीं, इसलिए तुमसे ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे, छोटा छोटा ही रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो पूछती हूँ। सो थैंक्स टू मोहसिन दैट ही अग्रीड फॉर ऑल ऑफ यू। And because finally, okay, इतने तो बड़े बाल किए यार मैंने इस कार्तिक में, कभी इतने बड़े बाल कर नहीं पाता भावना। कार्तिक को बड़े बाल अलाउ नहीं है, क्या करे, कार्तिक का अपना एक छवि बन चुका है। अभी मैं तुम्हारे आने से पहले मैं बोली रही थी कि कार्तिक की गोपियां और मोमो की चटनियां सब आ चुकी हैं, सब वेट कर रही है, तो सीधा शुरू करते हैं, वेट नहीं करते। सो ओके, सो द ड्रिल इज Initially, we'll have regular 2-3 questions which you have to answer, okay? You have to answer. मुझे तो करना ही पड़ेगा जवाब, ठीक है? उसके बाद हम खेलेंगे एक rapid fire. तो rapid fire होता है Star World पे, ठीक है? पर हम लोग है Star Plus हिंदी, GEC. तो हम लोग खेलेंगे तेज आग गोला, ठीक है? तो उसमें तुम्हें obviously
तेज आग का गोला, विच इज लाइक रैपिड फायर राउंड. ओ हम लोग स्टार प्लस के लोग हैं, हिंदी जी सी, यू नो, सो लेट्स स्टे टू हिंदी लेवल. तो हम लोग रैपिड आग का गोला खेलेंगे, जिसमें मैं 10-15 क्वेश्चन फटाफट पूछूंगी, और उसके बाद वी विल हैव अ लकी, इट्स लाइक अ लकी ऑनलाइन लकी ड्रॉ. सो सम ऑफ योर फैंस विल गेट रियली लकी टुडे बिकॉज ऑफ यू. ओके, सो विल, ओके, सो देयर विल बी लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर एंड लकी ड्रॉ. तो शुरू करूं? जी, शुरू करें नीचे सब लोग, हेलो हेलो बोलो फटाफट, शुरू करें. लोग सब बेचारे लोगों बहुत, के लिए हाउज एंड किसेस एंड हेलोज एंड हाय, मैं सबका नाम ले लेता फिर एक बार जब भी खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका नाम वो बिल्कुल मतलब खुशी से पागल ही हो जाएंगे. आई थिंक ईद की ईदी उन्हें अभी मिल जाएगी. देखो शुरू हाय हो गया, मेरा अंकिता, नाम ले. ओके स्टार्ट। ओके लेट्स, ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे शुरू करना है, जो थोड़ा सा अच्छा, संजीदा मैं दिख क्वेश्चन. रहा हूँ ना बराबर, मुझे कुछ भी नहीं हाँ दिख रहा हाँ है, दिख, आई कांट सी एनीथिंग। ओके, नो नो, तुम्हें मैं सिर्फ वॉइस बिल्कुल, कमांड पे हाँ चल रहा हूँ। तो मेरी शक्ल ऐसे देखने वाली भी नहीं है, बट तुम दिख रहे हो, ठीक है. नहीं नहीं ऐसा नहीं तो है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बाबा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स रियली सीरियस, रियली सेंसिटिव क्वेश्चन, एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो फ्रॉम यू कि ये रिश्ता में तुम शर्ट कब उतारोगे. मैं स्विमिंग तो कर चुका हूँ शर्ट उतार के, ये पीछे से रिश्ता शॉट लिया था, पीछे से शॉट था, मुझे याद है ऐसे करके. में। तो तुम पूरी पूरी शर्ट कब उतर से, सलमान खान कब बनोगे, बालों से तो बन गए हो, रियल में कब बनने वाले हो, प्लीज बता दो. एंड मैं मर रही यार हूँ मैं वो भी सीन थोड़ा देखने के लिए. इंस्पिरेशन ले रहा हूँ अभी। मैं विवेक दहिया साहब जो है ना, उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। मैं उनकी फोटो लगाने वाला हूँ अपने घर में हर जगह, उनकी ओके शर्टलेस फोटोज होगी मेरे घर में, ताकि उनमें देख देख के मैं एक्सरसाइज करता रहूँ। अभी क्या हो रही है ना, मेरे रोजे की वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। मैं कोई नहीं सोचा था यार. अभी पूरे पूरे एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, पर अचानक रोजे आ गए। प्लीज, रोजे इंपॉर्टेंट है, रोजे खत्म करो, उसके बाद आई थिंक अभी शूटिंग में टाइम है, हाँ उसके बाद, पर बहुत जल्द हम बहुत जल्द, पर यार, पर हाँ एक ही शर्ट पे कि कार्तिक फिर लंबे बाल में शर्ट उतारेगा। वो बाल डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट है शर्ट उतरवाना, वो मैं उतरवा सकती हूँ. तो प्लीज जून जुलाई अगस्त तक बारिश रहने वाली है, रेडी हो जाओ, ठीक है. आई थिंक सारे फैंस जानना चाहते थे तो मैंने पूछ लिया. अब कार्तिक रेडी होने वाला है, रोजे खत्म होते ही वो एकदम शुरू हो जाएगा, बाल उसने सलमान खान जैसे बना लिए, बॉडी भी बनाने वाला है, हाँ ठीक है, डन. चलो ओके, कभी एक कोई सीक्रेट ये रिश्ता मैं सेट मुच्छू का, बन जाऊंगा, मोमो और हाँ पुच्छू मिक्स करके मुच्छू हो जाऊंगा, मोचू, मुच्छू। हैशटैग मोचू, ठीक है, डन. ओके, ये रिश्ता सेट का कोई सीक्रेट तुम्हारे से, तुमसे रिलेटेड कोई सीक्रेट यू वांट टू शेयर, जो किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, कोई सीक्रेट कुछ किया एक बात हो. थी, अगर सेट से रिलेटेड है तो मैं मॉक शूट कर रहा था, मॉक हाँ शूट के लिए आया था भावना, तब मैंने मुझे एक रूम दिया गया था। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि अगर मैं ये शो करूंगा तो मैं इसी रूम में रहूंगा, यही अब रूम रखूंगा मेरे लिए, वो अगर कोने मैं वाला शो रूम करूंगा, क्यों अगर मैं है? सिलेक्ट होता हूँ इस शो में, क्योंकि उस रूम में हाँ शाहरुख खान की फोटो थी। अच्छा, उस रूम में जो लकी पहले वो लैपटॉप, छोटी जो छोटी कोई एक बच्ची बैठती थी, तो उन्होंने शाहरुख खान की फोटो लगाई हुई थी। तो हाँ ऐसे मैं मॉक शूट में आया था, अगर मैं ये शो करूंगा तो मैं इसी रूम में बैठूंगा कि यहाँ पे शाहरुख खान की फोटो थी। तो तुम उसी रूम में रहते हो, वो जो कोने वाला रूम है तुम्हारा, इसे कहते हैं. और मैं तुम्हें मॉक शूट से एक बात बताती हूँ, शायद तुम्हें ये बात पता हो या नहीं पता हो, तुमने आशी का एक ऑडिशन दिया था, मच बिफोर ये रिश्ता तुमने एक ऑडिशन दिया था. और हेलो, आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम. हाँ सो वो लॉन्ग टाइम बैक वो ऑडिशन मैंने ही लिखा था, और उस वक्त तुम्हारा ऑडिशन देखा भी था, बट समहाउ चैनल रिजेक्टेड दैट. एंड वो सालों बाद That यूट्यूब पे is देखा, सालों बाद यूट्यूब पे देखा, थैंक गॉड, एक्चुअली सालों बाद यूट्यूब पे देखा, तो मैंने कहा अरे ये तो वही है जो मैंने लिखा था. सो वी गॉट कनेक्टेड बिफोर ये रिश्ता, आई थिंक होता है, मिलते हैं जल्दी. all. I इनफैक्ट was very उसमें embarrassed शिवांगी भी थी, मुझे वो ऑडिशन देखा हाँ उसमें शिवांगी था, भी थी, बहुत तुम दोनों ने बच्चा दिया था, तुमने और शिवांगी दोनों ने दिया था वो आशी वाला. था। मुझे बाद में एंड पता चला जब YouTube पे देखा मैंने, तब मुझे बाद में पता चला अच्छा हम मैंने सब ने ऑडिशन दिया हुआ, भी, हाँ नहीं उस मेरे वक्त मैंने दोस्त ने वो रियलाइज शो नहीं किया था, किया किसने, जिसने भी किया था, बताता होगा. ओके चलो,
एक क्वेश्चन और पूछूंगी, उसके बाद वी सीधा गो टू रैपिड फायर, सो वी डोंट वांट टू कि तुम थक वक जाओ. ओके, डू यू स्टॉक योर एक्स ऑन सोशल मीडिया? आई डोंट हैव एन एक्स टू स्टॉक ऑन सोशल मीडिया. चल 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 चल, नाम मैंने ही बोला कि एक्स का नाम लो. डू यू स्टॉक और नॉट, एनी क्रश, एनी कुछ तो होगा यार इतने बड़े. आई ओनली स्टॉक माय फैंस ऑन सोशल मीडिया. जितने भी है, मोमो शिनू, मोमो शिवी, ये वो ये रिश्ता, ये रिश्ता प्यार के, ये रिश्ता क्या कहलाता, मैं सब उनको स्टॉक करता हूँ. और उनके सारे वीएम्स देखता हूँ, उनके सारे रेट्स देखता हूँ. बट समटाइम्स आई एंड अप लाइकिंग मोर देन 50-60 पोस्ट एक साथ. फिर मुझे ऐसा लगता है शिट यार ज्यादा हो जाएगा. हाँ, पता चल जाएगा. ओके, बस थोड़ा काम सा में सुधरा मुन्ना बच्चा डिप्लोमेटिक आंसर था, पर ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आज जाने देते हैं. देना बता यार. फिर हाँ कभी लपेटे मिलेंगे, आज छोड़ देते, पहली बार है. हाँ ओके, तो अभी सीधा रैपिड फायर पे आते, नो टाइम वेस्ट. ओके, ताकि ठीक है, रेडी हो रैपिड फायर के लिए, तेज जी मैम. आग गोले के लिए. और तुम्हारे लिए एक हैम्पर भी मैंने रेडी किया, बाय द वे, लाइक करण जौहर की कोई तरह मैंने एक एम्पर इधर हैम्पर तक पहुंचने नहीं वाला है आपके घर से यहाँ तक, बहुत दूर है आपका घर. कोरोना के बाद पहुंचा दूंगी, वो खराब नहीं होगा. देख तो लो मैंने क्या हैम्पर रेडी किया है, ये देखो ये देखो. Can you see this? क्या तुम ये हैम्पर जीतना चाहते हो? बोलो कि क्या तुम ये हैम्पर जीतना चाहते हो? I'm gonna fight with all the power and will in my life for this. मुझे पता था कि इसके लिए तुम लड़ाई जरूर करोगे, और तुम भागे भागे कोरोना में भी लेने आ जाओगे, मुझे पता है. इस हैम्पर मैंने स्पेशली रेडी, देखो उसमें मैंने टेप भी लगाया, देखो मैं कितनी लाठी खा मेहनत के आऊंगा. की. चलो सवाल कुछ शुरू करते हैं. ओके, मैं इन सबको बता दूं कि अभी तक क्या होता था. मैं क्वेश्चन पूछती थी, ये लोग कमेंट्स में आंसर करते थे. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग शुरू के रैपिड फायर में मैं सिर्फ कार्तिक से ये सवाल पूछूंगी, ही विल आंसर. उसके बाद लास्ट के 5 क्वेश्चन में कार्तिक और ऑडियंस सबसे पूछूंगी, ताकि आप लोग इंटरैक्टिव सेशन. ठीक है, तो पहले सवाल सिर्फ कार्तिक के लिए है, सिर्फ मोमो के लिए है. ओके ठीक है, पूछू? रेडी ओके कार्तिक? रेडी रेडी. ओके, फर्स्ट जी क्वेश्चन. कार्तिक, कार्तिक ने शादी के पहले वाले ड्रीम में जी 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 किस चीज पे आई लव यू लिखा था? शादी के पहले किस ड्रीम में खाने वाली चीज पे आई लव यू लिखा था कार्तिक ने? वही होगा वो हमारा, रैपिड फायर है ये, वही तो आपने होता. बोला कचोरी तो कि होती है, उसी पे लिखता है. ठीक कार्तिक, काम धंधा नहीं, वो पूरा टाइम बस नहीं. कचोरी कचोरी करता रहता है. नहीं, सोचो, कचोरी इट वाज अ ड्रीम. नहीं, गलत. ये रैपिड खाने की फायर है, चीज थोड़ी पे एलर्जी आई लव यू बनाओ. लिखा रहा था. हाँ, आई लव, आई हार्ट यू लिखा था. ओ देखो, नीचे लोगों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया है. भुट्टा, भुट्टा, आई लव यू, भुट्टा, खाने की चीज पे. भुट्टा, अच्छा भुट्टा. भुट्टा. अच्छा ओके ओके, हाँ, लिखा नहीं था यार वो, तो वो खरोचा था, खरोचा था. आई लव, तो मैं मैंने ग्रीन तो शर्ट सौ. पहनी. हाँ, हाँ, याद आया, अभी रैपिड फायर खरोचा है था. आई ये. लव यू लिखा और नहीं था, लिखा ओ तो वैसा प्लीज तुम उससे था. प्लीज, तो सॉस से क्या करते हैं? सॉस से मारते हैं, तो मैं बोलूं कि सॉस से मारा यस, था. यस. बारिश बारिश वाला था वो. ओके यस यस ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नायरा ने कार्तिक का कुर्ता किस इवेंट के दिन फाड़ा था? शादी के पहले की बात है. नायरा ने सॉस से कार्तिक लिखा का था, कुर्ता, भुट्टा तो खरोचा था. वो तो मैं समझा रही थी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुकी हूँ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस यस, सही सही रिपब्लिक डे, जवाब, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस पहले डे. सही जवाब दिया, फिर गलत जवाब. हाँ इंडिपेंडेंस डे, सही बोला. ऋषिकेश में बोल तो दिया कार्तिक आंसर. ने, तो मैंने बोला था सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. इंडिपेंडेंस हाँ, शादी से डे. पहले फर्स्ट फर्स्ट वाले ऋषिकेश में कार्तिक ने किससे वीडियो कॉल किया था, नायरा की फैमिली से? अरे लेट आ रहा है, लेट पहुंच रहा है, लैग हो रहा है बीच में. हाँ कैन यू हियर मी नाउ? सुन सकते हो कार्तिक? नैतिक सुन से, सकते हो? हाँ, नैतिक से, पहले वाले नैतिक से. पहले वाले नेटिक से.
यस रेगिस्तान रेगिस्तान के ऊपर कौन सा थोड़ा ड्रीम लेट सॉन्ग जा रहा है था? पर जा रहा है एकदम प्रॉपर। कोई नहीं, रेगिस्तान के ऊपर कौन सा ड्रीम सॉन्ग था? सॉन्ग कौन सा ड्रीम सॉन्ग था रेगिस्तान के ऊपर? वेरी जालिमा ओ गुड। जालिमा कार्तिक की फैमिली में कितने स्वर्गवासी लोगों की पिक्चर टंग चुकी है? कार्तिक की बोला ना फैमिली में जालिमा कित मैं अगले सवाल पे आ चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। बताओ। स्वर्गवासी कितने डेड लोगों की बोल सकता हूँ। आई डोंट नो इफ दे ऑल गॉट टू स्वर्ग स्वर्गवासी, नरकवासी, कोई भी वासी, जल्दी बताओ। नॉट। सी माय मदर एंड माय ब्रदर यार दोनों बेचारे टपक एक और, गए। मदर एंड ब्रदर एंड एक और, एक और। दादाजी की फोटो नहीं टंगी। दादाजी की फोटो सर दादी के रूम में। हम लोग नहीं, एक्नॉलेज नहीं करते थे दादाजी को ज्यादा। दादाजी इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक और की फोटो लग चुकी है, मैंने बोला फोटो लग चुकी है घर में। कौन मरा था, किसकी अरे फोटो नायरा लगी की लग थी? चुकी है 5 साल पे। यस, लो, अपनी बीवी को भूल गए, नायरा की बाकी को याद है। 5 साल पे। यस, सही जवाब। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कायरा की फर्स्ट मीटिंग पे अरे बीवी कौन तो आ गई ना कायरा वापस। तो भी फोटो तो टंगी थी ना? सवाल तो सही था मेरा, टंगी थी कि नहीं फोटो, टंगी थी कि नहीं? हाँ बोलो, टंगी थी, टंगी थी ना, राइट। ओके, कायरा से फर्स्ट मीटिंग में कौन से मैंने फूल फोटो के साथ बरसे सेल्फीज भी ली थी थे? सी, बाद में तब अपलोड भी नहीं याद किया मतलब नहीं पता नहीं बुरा मैंने। था। हाँ अच्छा बने क्या? कायरव से फर्स्ट मीटिंग में कौन से फूल क्या बरसे क्या थे? क्या क्वेश्चन तुम्हारे बेटे की मीटिंग में, कौन से फर्स्ट फूल मीटिंग बरसे में, थे। हाँ, इंद्रधनुष और समथिंग समथिंग कोई फूल बरसा था। लोटस लोटस यस, सही व्हाइट जवाब। व्हाइट नेक्स्ट। लोटस। व्हाइट व्हाइट लोटस लोटस, बरसे थे बिकॉज उसका नाम कायरा और है। नाम हमने मैंने प्रोमो भी गूगल किया शूट था किया कायरा था। व्हाइट लोटस। हाँ यस, इसलिए वो यूज किया था लोटस वहां पे। ओके, स्वर्णा, तुम्हारी माँ, सौतेली माँ स्वर्णा का शादी से पहले नाम क्या था? शादी से पहले नाम क्या था? ये रैपिड फायर है कार्तिक। इससे पहले नाम क्या था। दादी सबका नाम चेंज कर देती है। सू सू सू। नो आई क्या नाम था स्वर्णा का? नो मंदाकिनी। बड़ा ही तुमने वैसा वाला नाम लिया है, मतलब। किसी ने अर्पिता लिखा है मुझे। आई एम नॉट श्योर दो। नो, इट्स अ राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले पूछ चुकी हूँ। अर्पिता, अर्पिता नाम था उसका। तुमको वो भी नहीं पता था। ओके, कार्तिक रूम की एंट्री में क्या लटका लटकता था? दादी का नाम क्या। अच्छा हाँ, सुहासिनी। कार्तिक की रूम की एंट्री में क्या लटकता था? मैं चीज का बहुत मजाक समझ सकती हूँ। जो रेड जो लटकता हमारे रूम के बाहर। हाँ, क्या है? नारियल, क्या बोलो, नारियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बोलते थे वो दादाजी की अस्थि है। नारियल नारियल। ओके, नाउ ये बहुत ट्रिकी है। ओके, कार्तिक शो में कौन कौन सा माइथो कैरेक्टर बन चुका है? तू हंस ले अरे पहले। कार्तिक शो में कौन कौन सा माइथो कैरेक्टर बन चुका है, बाप रे कितने बन चुका हूं मैं। कृष्णा बताओ। हाँ, शिवा कृष्णा फादर नाम। कृष्णा शिवा कृष्णास फादर हाँ, और कुछ बनाऊं मैं। राम नहीं बनाऊं कभी। और जो हो, बस तीन तीन और जो हो, तुम भी तो हो कार्तिक। कृष्णा शिवा कृष्णास फादर। या वासुदेव।
और कृष्णा कार्तिक का बना, खुद, गणपति का छोटा भाई भी बना हाँ था, नहीं गणपति नहीं का वो छोटा कार्य, भाई। वो कार्यव का वासुदेव, वासुदेव जो तुमने बोला ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शाहरुख खान के सॉन्ग जो शो में यूज हुए हैं काया पे। हाँ ना वसुदेव, दो शाहरुख खान के सॉन्ग जो कायरा पे यूज हुए हैं शो में। कैन यू हियर मी? सारे शाहरुख खान के गाने, कुछ कुछ होता है, जालिमा, और ग्रीस कौन? वाला, तौबा, हाँ चलो नेक्स्ट। कार्तिक के सपने खुदा में। जाने तो नहीं अपना, फिर मैं यहाँ हूँ यूज किया था, पर फिर हमने वो गाना डाला नहीं था, कुछ और गाना बच गया था उसके बाद। हाँ मैं यहाँ वो चेंज कर दिया था, वो राइट्स का प्रॉब्लम हो गया था, मुझे याद है। मैं उन्हें पे पूरा गाना वो लिखा था वीर ज़ारा के गाने पे, और फिर चेंज हो गया था। ओके ये लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके ठीक है। कार्तिक की BFF और इतना BF फील का के साथ नाम किया क्या था है? मैंने, वो मैं वो लिखते समय भी वही आओ गाना कर ध्यान में था, वो पूरा गाना वही था, कोरियोग्राफी वैसी ही सोची थी, पर लास्ट में चेंज हो गया था। जी। ओके कार्तिक की BFF और BF का नाम क्या है? हाँ BFF तो मिस्ट्री है, BF कार्तिक के BFF तो मिस्ट्री है। BF कौन है? BF हाँ एक BFF मिस्ट्री, थी, एक BF है। इतना बड़ा मिस्ट्री टैग खेला ना, था, वो BFF है, BF BFF क्या और BF, बेस्ट फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड। बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा कार्तिक का? बेस्ट फ्रेंड कौन थी? अरे तुम शादी करने वाले थे बोल रहा हूँ, उससे, BF बट क्या है? देखो नाम भी आ गया नीचे, अच्छा आशी, हाँ, ओके ओके आशी। ओके, आशी आशी आशी, सॉरी वेरी बैड, तुमको हैम्पर नहीं मिलेगा, तुमने बहुत हाँ, ही वैसे आंसर नहीं दिया होती है। पर शादी। अरे हाँ ये हैम्पर तुमको नहीं मिलने वाला है, तुमने नहीं डिजर्व सोच किया, सोच के तुमने जवाब दे रहा हूँ मैं, हाँ थोड़ा मतलब रील में होती है, रैपिड फायर और रोजे में भूख आग। लगी है मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसलिए छोड़ दिया मैंने तुम्हें, पर ये बार बार एक्सक्यूज मत यूज करो, मेरे को भूख लगी है तो मैंने आंसर नहीं किया। चलो लास्ट 5 क्वेश्चंस विथ यू एंड द ऑडियंस, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ठीक है? ओके बड़े अच्छा आया क्या गौरव, आया क्या? ओके चलो तुम थक गए हो तो क्वेश्चन नहीं करते, वी कैन डू अ लकी ड्रॉ भैया डायरेक्टली इफ यू वांट, इफ यू वांट, इफ कर यू लेते, कुछ वांट क्या हो गया, कर लेते, ठीक तो मैं है चलो। हाँ ऐसे बहाने दे रहा हूँ। वो मुझे पता है। चलो कार्तिक शो में, कार्तिक के प्यार में कौन सी लड़कियां पड़ी हैं जेन्युइन प्यार में? जो अभी मेरी सेकंड वाइफ बनी थी वो तो जेन्युइनली प्यार करती होती है। उसका नाम, नाम जो लो। नाम क्या होता है उसका सो सो सैड। पंखुड़ी में चुप लेके आ रहा। उसके नाम की वजह से मैंने बहुत गालियां खाई है, तुमको याद रखना पड़ेगा वो नाम। वेदिका, वेदिका किसी ने लिखा, ओके वेदिका, गायु, हाँ गायु हाँ ऑब्वियसली, जो सबसे हाँ पहला जो वो घर पे आते हैं तब तो गायु से मिलते हैं, और आई जी थिंक आशी वाज इन लव विद हिम और नॉट, आशी वाज नॉट इन लव विद हिम, नो बट शी वाज रेडी नो टू आशी मैरी। वाज इन, या आशी वाज इन शी लव, वाज नो नो, शी वाज नो इन शी लव, वाज इन, शी वाज रेडी टू नो मैरी हिम ना। नहीं नहीं वो नहीं था, वो दोस्ती आ रही थी, प्यार अच्छा उसकी प्यार। तरफ से भी दोस्ती हाँ रही, वेदिका और गायु, वेदी याद है दोस्त, टू गर्ल्स, और कार्तिक के तुम दो, नायरा, नायरा तुम के पीछे नायरा को भूल 25 लड़के गए, हैं, 25 लड़के, टू फॉल इन लव विद नायरा, तुम नायरा को भूल गए, वेदिका, गायू, और नायरा, नायरा भी तो प्यार में पड़ी थी। नायरा तो बीवी है ना, उसका क्या नाम लेने का।
अच्छा का कौन चलो, नाम इंडियन होता? इंडियन पतियों की सारी वो तुमने यहाँ पे पोल खोल दी कि एक्चुअली बीवीएस का क्या नाम लेना, ठीक है वो भी काउंट होती है, और लड़की है वो। मेरी मेरी बीवी के पीछे 25 लड़के पड़े थे, हर हर थोड़े टाइम पे एक लड़का आ जाता था, फिर वो नायरा की तस्वीरें फोटो चिपका के उसको स्टॉक करके बोला क्या हो रहा है। ये इस देश का मेरी प्रॉब्लम बीवी है, तो क्या ये इस देश मेरी का बीवी प्रॉब्लम तो क्या है। मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भेजता रही हूँ, नायरा अगर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती थी तो एक लड़का पीछे पड़ जाता था उसके। क्या करे समाज, ये समाज ही ऐसा दुष्ट समाज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक के कितने ब्लड या रिलेशन में भाई बहन है? कार्तिक के कितने ब्लड या रिलेशन में भाई बहन है? कजिन हो सकता है, ब्लड हो कीर्ति और सकता है, कौन है शुभम, भाई कीर्ति शुभम लव बहन? कुश और कीर्ति शुभम लव कुश। अच्छा वो छोटा वाला भी तो भाई है, वंश, कजिन भाई है, वंश वंश एक और है। और कौन भाई बहन है मेरा? अच्छा वो सॉरी सॉरी शिट मुझे मार अनमोल और मानसी, मानसी, तुम्हारी अनमोल और मानसी। बहन। हे भगवान, ये भूख के मारे जेन्युइनली तुमको पड़ी नहीं इन लोगों नहीं मुझे मुझे नाम नहीं पता, नाम नहीं याद रहता, मुझे की। पूरा सीन आ जाएगा सामने पर नाम याद नहीं रहेगा। तो तुम सीन बता सकते हो, जिसने अक्षरा को मारा था वो भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे बेचारे दो ओके दो बार तो मानसी आ चुकी है। आई नो। अच्छा, कार्तिक ने पूरे शो में कौन से दो जानवरों के साथ इंटरैक्ट किया है? दो जानवरों दो के साथ जानवर इंटरैक्ट इंटरेक्ट किया है। डॉग डॉग के साथ तो किया है ये, जो मैं बहुत डर डर के कर रहा था, हाँ, और कौन से जानवर के साथ इंटरेक्ट किया? देखो नीचे सब लोग सही जवाब लिख रहे हैं। ऊंट के साथ, ऑफ कोर्स ऊंट के साथ, ऊंट पे बैठ के जा रहा था, यस, मैं तेरे लिए भी एक ऊंटनी ला दूंगा, मुझे पचा ऊंट दे। नहीं ला रहा था। अरे आई लव दैट ऊंट यार, ब्यूटीफुल सीन, बहुत सही सीन था वो। ओके सैडली लास्ट डे पे सेम ऊंट नहीं आया था। हाँ नहीं, अच्छा अलग ऊंट आए थे। ओके मुझे नहीं पता, ये आउटडोर का था ये। हाँ ओके कार्तिक, ये लास्ट क्वेश्चन है, कार्तिक कौन सा स्नैक कमाल का बनाता है? स्नैक स्नैक वही है उसका, नाश्ता, ढोकला है वही, क्या बोलता है अपना ढोकला। यू आर रियली बैड ब्रेड कार्तिक। पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, हाँ ब्रेड कपोरा, यू आर रियली ब्रेड का बैड। पूरा। हाँ यू आर रियली बैड, यू आर रियली बैड कार्तिक, यू आर सो बैड। ओके ओके अरे क्वेश्चन, मैं बस प्लीज प्लीज, तुमने नाम बहुत नाम याद ही नहीं रहते मेरे को। तो भी चलो, तुमने छोड़ दिया आज की, पहली बार था और क्वेश्चंस भी ऐसे थे। ओके लास्ट एक लकी ड्रॉ करते हैं, ताकि जो लोग बेचारे तब से आंसर किए जा रहे हो उनकी भी लाइफ बन जाए, तुम ऑनलाइन आए हो तो। सो ओके द लकी ड्रॉ, ऑनलाइन लकी ड्रॉ समर रहेगा, सिंह आई उठनी नहीं, आस्क यू टू पिक। शेरनी। अरे नायरा एक्चुअली शेरनी थोड़ी है, तो इंसान ही है। सोचो ऐसे भी आंसर आते हैं। ओके सो द लकी ड्रॉ इज लाइक, आई आस्क यू टू क्लोज योर आईज। ओके सो यू क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। आगे मेरी समझ क्लोज ही है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो ठीक है, फिर तुम 10 या 12 नाम ले दो, तो इट्स लाइक अ लकी ड्रॉ विच विल हैपन दैट दीज पीपल आउट ऑफ एवरीबडी, आउट ऑफ 3,000 समथिंग पीपल, दीज 10 आर द लकी वन। सो यू टेक एनी 10 नेम, सो दैट्स अ लकी ऑनलाइन लकी ड्रॉ। तो मैं इन लोगों में से देखूँ ना नाम, जो लोग लिख हाँ, रहे हैं जिस मैसेज। जिस जिसका भी तुम लेना चाहो, कोशिश करना थोड़ा सा सबको ब्रेक लेके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। यशिका मेहता 80 जो है, शी इज गिविंग ऑल दी आंसर्स। मिशु निलोय, पिंकी धौत, वर्षा शाह, खुशी 028, देन देर इज यार ये कहाँ चला गया यार, मैं इतना बुरा हूँ ना इससे। गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑनलाइन, आई डोंट नो, उसका नाम अनु है। हाँ शिवानी जायसवाल, अरे वाह तुम्हें नाम भी पता। गौरव अभय परिहार 17, गौरव वाडवा भी आंसर दे रहा है, देयर भी लकी ड्रॉ जीत गया है। इज जया बिष्ट, देयर इज थ्री मोर नेम्स,
हो गया नाम? थ्री मोर नेम्स एंड डन। ओके, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बहुत लोग बहुत देर से आंसर कर रहे हैं। वेरी क्यूट यार, यार ऑल हेल्पिंग मी आउट टू चीट, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। स्कूल के बाद अभी चीट कर रहा हूँ मैं। एंड यू आर सो क्यूट कि तुमको उनकी चीटिंग दिखाई नहीं दे रही हो। बेचारे कब से चीट कर रहे हाँ यार, मैं मेरे से सोच रहा हूँ मैं कैसे बिचारू। अरीजा यास्मिन, अरीजा यामिन, सॉरी आ गए, और वो खुल ही नहीं रहा और नाम। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे श्री लोग हैं। विद्यासागर। ओके लकी ड्रॉ डन। ओके, अभी मैं से बात पूछता हूँ। पूछो। ओके, तो भावना, यू रेडी? यस भावना जी, हमें बताइए, ऐसे तो शो के 3,000 एपिसोड हो गए, हाँ जो पहला वाला जनरेशन था उसके साथ आपने 2,000 एपिसोड शूट कर डाले, हमारे साथ 1,000 एपिसोड शूट कर डाले, तो लाइक राइटिंग वाइज एंड द स्क्रीन प्ले वाइज, और जैसे आप लिखते हो उसमें कैसा, क्या क्या फर्क अकॉर्डिंग टू, बिकॉज 11 साल हो गए, तो 11 साल पहले की जो राइटिंग थी और अभी 11 साल बाद की जो राइटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है? Like the first 2,000 episodes and the next 1,000 episodes, according to the changing audience or the growing audience, जो ग्रोइंग ऑडियंस। audience देख भी रही है, तो 10 साल बड़ी हो गई है। सी सबसे मेजर डिफरेंस था कार्तिक नायरा के आने से, प्री कायरा एंड पोस्ट कायरा। द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर द पैशनेट रोमांस। आई थिंक अक्षरा एंड नैतिक वर वेरी राम सीता स्वीट, वेरी स्वीट काइंड ऑफ सिंपल स्वीट लोग। कार्तिक नायरा के आते ही एकदम रोमांस की पूरी, मतलब यशराज जोन में और करण जौहर जोन में हम लोग चले गए। सो दैट इज रोमांस। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कार्तिक नायरा ने हिट भी किया, एकदम ऑडियंस को टच किया। दैट वॉज रोमांस, अपार्ट फ्रॉम द गुड एक्टिंग एंड केमिस्ट्री ऑफ कोर्स। एंड राइटिंग बिफोर वॉज वेरी सिंपल, सिंपल इन द सेंस की इट वॉज अ लाइक डे इन अक्षराज लाइफ। हम रोज आज सुबह उठी, आज एक पर्स खो गया, आज ये चला गया। बट नाउ वी आर डूइंग सो मच ऑफ ड्रामा, सो मच ऑफ स्क्रैचेस। या दैट वॉज अ वेरी सिंपल राइटिंग कि हम एक एक सीन लिखते थे, उसमें एक मुद्दा होता था, अगला सीन खाना बन रहा है, अगला सीन लड्डू बन रहा है, और उसमें अक्षरा की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बट नाउ द पेस इज लाइक गोइंग, मतलब हम लोग एकदम मल्टीप्लाई हो रहे हैं पेस मुझे में। मुझे दैट इज ट्रू, मुझे मुझे राजबन्ना साहब जब बोलते थे कि जो पेस है वो बढ़ गया है, मेनली सबसे पहली बात, और क्योंकि या एज पर द ग्रोइंग ऑडियंस दैट इज द एडेप्टेबिलिटी टू चेंज यू गाइस हैव डन, व्हिच वाज ब्रिलियंट। सो वो हु केम अप विद दैट? इट्स अ लर्निंग एवरीबडी। हमको भी समझ में आता है कि यार ये ग्राफ है और ऑडियंस को अभी फास्ट पेस चाहिए। बाकी मार्केट में इतना हमारे पास कंपटीशन था, ये रिश्ता 10 साल 11 साल टिका रहा, बहुत बड़ी बात है। बट अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। सी अडेप्टेशन है तो आपका चीज चलती है। अगर आज हम पेस पे नहीं जाते तो हम कब के जा चुके होते। एंड आई थिंक यू हैव ऑल्सो सी दैट लो फेज, जब हमारा भी एक लो फेज था। कार्तिक नायर आ चुके थे फिर भी एक लो फेज था, बट देन वी केम बैक विद कायरा विवा, एंड कायरा विवा वाज लाइक माइंड ब्लोइंग इमोशंस पे हम लोग वापस आ And गए थे। what amazing risk you guys have taken. मैं जब गरिमा से भी बात कर रहा था, गरिमा इस फिल्म के हाँ जो पूरे ग्रुप को आप स्विट्जरलैंड भी हम लोग जब गए थे, एंड वी हैड जस्ट कम, हम या जस्ट आए थे उसके बाद ऋषिकेश में थे, हम लोग 1 महीना थे बीकानेर में, और पूरे बीकानेर में। कास्ट और क्रू को ले जाना, 3-4 यूनिट्स थी हमारी, या आई एम श्योर इट वाज अ ह्यूज रिस्क, ह्यूज ह्यूज रिस्क रिस्क एंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूज मनी। प्रेशर, ह्यूज प्रेशर। और आई थिंक डीकेपी हमारी जो कंपनी है यही है जो आउटडोर संभाल पाती है। इतने बड़े बड़े आउटडोर जितनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल हो, इट्स नॉट इजी। अपना ही शो टचवुड है जो कर लेता है सीरियसली। तुम लोग माशाल्लाह, लग के इतना करते हो, एंड आई रियली वांट ये टू से भावना, कि 11 11 11.5 साल हो गए। ओके, मतलब इमेजिन इट्स ए ह्यूज डील, एंड टू 4 साल अडॉप्ट टू तुमको चेंज, हो गया, बिकॉज हमें 4 साल हो जाएंगे अभी चार साल इंशाल्लाह, हो रहे हैं सीरियसली। अभी होने वाले हैं, लाइक हार्डली फ्यू 4 साल। डेज लेफ्ट, हार्डली फ्यू डेज हाँ, लेफ्ट। एपिसोड्स तो नहीं आएंगे तो हो गए, हम लोग क्या कर सकते हैं। वो ठीक है, बट 4 साल तो काम हो गए तुमको शो पे आए हुए। इट्स लाइक मतलब 4 साल एक कपल ने पकड़ के रखा है, इतना पॉपुलर कपल। इट्स नॉट इजी यार, तुम दोनों ने बहुत, एंड आई नो हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन। सो लोग तो देखते हैं, हमें पता है बैक स्टेज कितना मेहनत करते हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर यू टेलिंग मी कि एक्शन सीक्वेंस दो मेरे को, दौड़ाओ मुझे, गिराओ मुझे, भगाओ मुझे, पिटवाओ मुझे, पिटवाओ।
तोड़ने में बहुत रिमेम्बर मजा आता था, जस्ट टेल देम को तोड़ने वाले सीन को, हमने सब कुछ तोड़ा है शो में। तो क्या नहीं तोड़ा है, मतलब रिश्तों से लेके सामान से लेके ग्लास से लेके चम्मच सब तोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। सो यू टेल मी, कार्तिक नारा का फेवरेट सीन क्या है, तुम्हारा फेवरेट सीन, तुम्हारा पर्सनल फेवरेट? फेवरेट तो बहुत सारे होते पर्सनल हैं बट यार एक एक सीन जब आया था ना, तो मुझे बहुत आई रियली फेल्ट फॉर इट, जब पूरे बॉम्बे सीन सीक्वेंस के बाद जब उसे कन्फेस करना था, बता वो जस्ट ब्लास्ट होने से पहले पूरा कार्तिक उसको बिठा के कन्फेस करता है, आई एम सॉरी मेरे भाई की डेथ के लिए मैंने तुम्हें बोला था और सब, एंड वो जब पहली बार पढ़ा था वो शिट, ये तो बहुत अच्छा लिखा है। और मैं एक चीज करता था भावना, कि मैं सारे अपने सीन से ना ऑडियो रिकॉर्ड कर देता था, वॉइस रिकॉर्डिंग करते रहता था, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या क्या डिफरेंस कर पाऊं। और तो जब वो आया सीन तो कर लिया रात भर, पूरा एक टोन बना दिया कि ऐसे ऐसे बोलना है। दिलीप साहब की भी बच्चे देख ली कि चलो यू नो थोड़ा सा एक माइंड सेट होगा कि थोड़ा सा वैसे स्टाइल रह के बोलना है, वैसे कोशिश करूंगा थोड़ा करने की, और वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब जब सेट पे आया तो एक टोन सेट के लिए ऐसे ऐसे बोलना है, और ऋषि सर शूट कर रहे थे, और जैसे ही शुरू किया ऐसे बोले नहीं, नहीं 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 ऐसे मत कर उसको, इस तरह से कर ले। अब मेरी हालत खराब हो गई, आई नो, उतना तो प्रिपेयर किया हम रात लोग भर। बैठ के, हाँ फिर बैठ के पूरा डिस्कस कर रहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे शूट करना है, ये इस टोन में बोलना है। तो वो था बहुत वेरिएशन थे, बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस थे पूरे सीन में, आई रिमेम्बर, इट वाज अ लॉन्ग सीन, इट वाज अ लॉन्ग सीन, लॉन्ग सीन एंड बहुत लंबा सीन। लॉन्ग एक्शन लेटर ऑन, और बहुत कुछ था वहां से, पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता चेंज है। होता दैट है वाज अ चेंजिंग पॉइंट, दैट वाज अ चेंजिंग वो पॉइंट, एक। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन, जो प्रिटी वुमन का चेंजिंग पॉइंट था, आई थिंक वो एक एक जो सीन था, दैट इज अ चेंजिंग पॉइंट ऑफ प्रिटी वुमन, दैट सॉरी, एक्चुअली दोनों में सॉरी, वहां भी सॉरी यहाँ भी सॉरी, दैट बोथ सॉरी सो सीन्स। बोथ द सॉरी सीन्स हैव बीन द चेंजिंग पॉइंट्स ऑफ द, चेंज तो हुआ। मुझे वो सीन भी दिमाग में चल रहा था उस वक्त, पता है वो एक चेंजिंग पॉइंट था, तो एक वो दिमाग में रख के चल रहा था। और तुम्हारा अपना सोलो, मतलब वो तो चलो कार्तिक नायरा सीधा, तुम्हारा सोलो जहाँ तुम्हें लगा तुमने परफॉर्म, मतलब कुछ अनोखा कर दिया हो, जब खुद को फील होती है ना, कितने बार होता है हम खुद करते हैं, हमको पता होता है कि यार नहीं हमने अच्छा किया है, मुझे पता है, चाहे यार कोई एक किसी को अच्छा लगे ना लगे। यार जब जब पहली बार पता है वो अक्षरा के डेथ का हुआ था, और मैं आके रोता हूँ और नायरा को बुलाता हूँ, जब तब शिवांगी ने मेरे को दरवाजे बोला था, पे। उसको अच्छा नहीं लगा था, उसको सीन ज्यादा पसंद नहीं आया था मुझे रोने का, और she didn't feel like crying in that scene, so I was like, I was really deciding कि नहीं यार, मतलब if she's saying, because we are very open about this thing, अगर हमें कोई सीन पसंद नहीं आया हम एक दूसरे को डायरेक्ट बोल देते हैं कि यार थोड़ा अच्छा कर लेना, क्या हो गया पे, तो जब जब आगे जब ऐसे कोई रोने की सीन आता था तब बहुत प्रिपेयर करता था। फाइनली जब एक एक ऐसा बड़ा सीन आया था, जब कायरा के डेथ का आया, तब मैं बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें डाल दिया था, मैंने बहुत डे नाइट में सिर्फ एक एक मेरे पास सैड नॉवेल है एक बच्चे के डेथ की, तो मैं बस बार 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 वही पढ़ता रहता था, तो कंटिन्यूअसली बस पढ़ ही जा रहा था उस डेथ के सीन को, और आई थिंक राम सर शॉट, एंड एक पूरा अंधेरा रूम कर दिया था, और बस सामने बच्चा डेड हो गया, मर गुजर गया है, और कार्तिक को जस्ट पता चलता है कि कायरा की डेथ हो गई उसकी बेटी की, यू नो, सो दैट एंटायर सीक्वेंस वाज कंप्लीटली जेन्युइनली क्राइंग, बिकॉज़ आई वाज कंटीन्यूअसली गोइंग इन दैट जोन, मैं 3 4 दिन से उसी जोन में चले जा रहा था, बिकॉज़ एंड वंस दैट सीन वाज डन, पूरा जो टेलीकास्ट हुआ, एंड शिवांगी हैड सेड कि यू नो शी वाज वाचिंग द सीन विद मदर, एंड वो दोनों एक्चुअली रोने लग गए वो सीन देख के, सो आई फेल्ट चलो फाइनली आई मेरा। नो, नहीं वो होता है यार, और कोई बोलता है तो आपको और लगता है कि नहीं यार इसमें और थोड़ा इनपुट देना चाहिए, स्पेशली और को एक्टर वो बोले तो, होता है यार, आई कैन अंडरस्टैंड। सही है, बढ़िया है, पर अच्छा है टचवुड यार, बहुत अच्छे रहे सीन्स, एंड आई रियली वांट टू से, हम लोग हमेशा बात करते हैं इन द टीम में, हम लोग जब भी करते हैं, हम लोग को पता सोचना नहीं पड़ता कि ये टफ सीन है या ये है, पता है कि कार्तिक नायरा संभाल ही लेंगे, मतलब रोमांस लिख दो, लड़ाई लिख दो,
बफूनगिरी लिख दो, स्टुपिडिटी लिख दो, रोना लिख दो, ये दोनों है, कार्तिक है, ये सीन कर लेगा। एंड तो डेफिनेटली वो एक है हम लोग के दिमाग में, वो नहीं। मैं गरिमा और आपसे दोनों से पूछूंगा, व्हाट वाज द टफेस्ट टू क्रिएट एंड टू राइट द सीक्वेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर सीक्वेंस, नॉट अ सीन, एक सीन तो बहुत छोटा हो जाएगा, टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम हाँ गरिमा एंड यू, टू यू नो एक क्रिएटिव के हिसाब से भी, एक राइटर के हिसाब से भी, आपका टू क्रिएट एंड टू राइट एन एंटायर सीक्वेंस, एक कौन सा एक सीक्वेंस जो सबसे टफ रहा? आई थिंक जब वो वाला पार्ट था, जब अक्षरा की डेथ थी एंड पूरा जो शिफ्ट हुआ था कार्तिक नायर पे, हमारे पास द ओनली कपल एंड द ओनली होप वी हैड, आई थिंक उस समय प्रेशर में जो पूरी टीम में, चाहे वो गर्मा हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे सर हो, भी राइटर्स हो, उस समय मतलब ये हो गया था कि वो शादी, आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर में अगर हमने काम किया है कि जब शो को बचाना था, इट वाज नॉट जस्ट अ गुड सीक्वेंस, इट वाज नॉट जस्ट कि हमें कार्तिक नायरा की शादी, ये रिश्ता इज फेमस फॉर शादियां, कि हमें जैसे अक्षरा नेती की शादी इतनी हिट हुई थी कि हमें कार्तिक नायरा की शादी अच्छी करनी है, प्रेशर वॉज दैट यू हैव टू डू योर बेस्ट विद इन, मतलब एक तलवार लटक रही थी शो के ऊपर और उसमें आपको बेस्ट इमोशनल रोमांस और वो करना था। आई थिंक दैट फेज, वो कार्तिक नायरा की शादी का जो फेस था, वो जितना हैप्पी और जितना कूल दिखता है, उसके पीछे जो मीटिंग में होता था, वो हम जानते हैं किस प्रेशर में काम होता था, बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम वी कुड हैव सेव द शो, एंड आई थिंक एवरीबॉडी राजन एग्जैक्टली बहुत बड़ा। सर या सो द थिंग वाज कि, और तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब तुम लोग की केमिस्ट्री हिट हो गई, तुम दोनों के कैरेक्टर्स हिट हो गए, सो टचवुड हमको अब ट्रांजिशन मिल गया, मगर उस वक्त जब वो टीआरपी से पहले का जो टाइम था कि पता नहीं क्या होगा और आपको लिखना है और बेस्ट लिखना है, और शादी ऐसी चीज है ना कार्तिक, कि जब भी हम लोग शादी का टाइम आता है ना, हम लोग डबल एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे स्क्रीन पे मैं ज्यादा प्यार आने लगता है द मोमेंट शादी इज देयर, क्योंकि वो मेरे को लगता है ये अपना एरिया है, मतलब ये मेरी, ये करना है मेरे को, तो वो चीज, बट वो प्रेशर कि बचेगा नहीं बचेगा, मरेंगे, शो बंद हो जाएगा, गालियां पड़ेगी, क्या होगा, और फिर वो आई थिंक टफेस्ट फेस था, बट टचवुड हम लोग निकले, तुम लोगों ने इतना मेहनत किया। अगर कोई फेस्टिवल आता है, समझो नवरात्रि आई, तो तीन शोज में, चार शोज में साथ में नवरात्रि आती है, चार शोज में साथ में दिवाली आती है, तो आपको हर बार हर शो में अलग से कंटिन्यूअसली अलग चीज करनी पड़ती अलग करना है, आपके कैरेक्टर के हिसाब से करना है, आप आउट ऑफ द कैरेक्टर, भी कार्तिक नायरा ऐसे हैं तो वो ऐसे ही अतरंगी नहीं हो सकते, तो वो होता है, बट ठीक है, हम लोग कचोट अपनी टीम ऐसी है कि सब मिलके कर लेते हैं, सब अच्छा निकाल ही लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कचोट तो अभी तुमको और परेशान नहीं करते हैं, तुम बहुत बोल चुके हो, मुझे लगता है अभी ज्यादा मत बोलो, तो कितने अभी तुम्हारी बोलूंगा कितने बजे इफ्तारी है आपकी आज की? 7:05 और 7:06 ओके दोनों से, ओके, तो अभी काफी तब तक टाइम मेरे पहले की है। शाम के प्रेयर्स होंगे, जब तक सेट डाउन हो जाता है एंड देन इफ्तारी हाँ होके। ओके, नहीं, और इस बार सब लोग लिख रहे थे कि हम मिस करेंगे अपने सेट पे जो होती थी, जो रमजान हाँ के यार जो टाइम, बड़ा बुरा इफ्तार होता था, और हम लोग रोज आई नो। मैं शो में इतने रोज नहीं रख पाता था शूटिंग के टाइम, हाँ बट द होल इफ्तार एंड एवरीथिंग, हम लोग मिस अलोन आई नो इफ्तार यार, ईद चीज तो होती। कितना किलो मन हो रहा है शूट सेट पे वापस आने का, कितना किलो में बताओ, किलो में मैं अभी चला जाता हूँ यार, मैं अभी चला जाऊँ, सीरियसली मिठाई लेके, किलो 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 मिठाई लेके चला जाऊँ, मैं अभी चलूँ यार, शूट शुरू कर दे। सीरियसली यार, आई एम रियली होपिंग कि जून बोल रहे हैं, जून तक ही हो जाए, लेकिन हो जाए, अभी बहुत हो गया, मतलब होता है लिख, आप अपना शो दिन भर काम स्वाति जी करने के आई बाद है, होते स्वाति हैं। जी, दादू आई है। ओके दादी जी आ गई हैं, ओके तो यही था, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू कि इतने टफ टाइम में भी तुमने इतनी देर बक 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 मेरे साथ करी नहीं, सो थैंक यू स्वीट, भावना, सॉरी मैं एक दो आंसर शायद भूला एक दो आंसर, हूँ ओफ, ये हैम्पर मैं आज पका के खा जाने वाली, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम डिजर्व नहीं करते, यू डोंट डिजर्व देखो इसमें लिखा भी था हाई फाइबर का क्वालिटी का मैं मखाना लाई थी तुम्हारे लिए, हाई फाइबर तुम्हें नहीं मिलने वाला मैं खाने जितने कार्तिक को पसंद है उतने उससे ज्यादा मुझे पसंद इसीलिए तो हैम्पर में रखा था कि तुमको मोमो को मिलेगा, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी है। यस यस आई एम गोना चलो, फाइट फॉर दिस मकान, यस, तो तुम अच्छे से ध्यान रखो है ना, और इंशाल्लाह थोड़ी रोजा रखो, अच्छे से खाओ पियो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो,
है ना? तो फिर मिलते हैं, यू कैन से यस बाय बाय, थैंक यू सो मच कार्तिक बाय बाय मोहसिन, गॉड थैंक ब्लेस यू गाइस यू, बाय टू एवरीवन बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस ओके टाटा. ओके, तो ये था कार्तिक का. सॉरी, मैं बात करने में बिजी थी तो मुझे नीचे के कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, तो आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी. सबका बहुत रिक्वेस्ट आया था कार्तिक का, तो एंड थैंक्स टू कार्तिक कि डिस्पाइट हिज रोजा एंड ऑल ही केम फॉर ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच, एंड यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन डीएम मी इफ एनीथिंग. मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं पूरे टाइम बात करी थी. सो एंड वी कैन कंटिन्यू द क्विज लेटर. आज कार्तिक के साथ ही क्विज खत्म हो गई. ओके टाटा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन द लकी ड्रॉ, ऑनलाइन लकी ड्रॉ विनर्स. बाय बाय टाटा.